जंपिंग, जापान का जंपिंग है, जंपिंग वो वाला है ना, करते रहेंगे। जिस तरह से आपने मेला में नहीं देखा जंपिंग जापान वो वाला डो, ऊपर जाते फिर खींचता फिर नीचे जाते फिर ऊपर जाते, उस तरह से होने लगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब ना इधर से निकल पा रहे हैं ना इधर से निकल पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ छोटा जी विथ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, यानी जब हम लोग धरती का सरफेस से, जब हम लोग धरती का सरफेस से, ये वो धरती का सरफेस से ऊपर अगर जाएंगे, धरती का सरफेस से अगर ऊपर जाएंगे तो छोटा जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, डिक्रीज करता है यानी घटता है, छोटा जी का वैल्यू घटता है। वही हम लोग बात करेंगे, धरती का सरफेस से अगर हम लोग अंदर की ओर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो छोटा जी का भाव, छोटा छोटा जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। यानी अगर हम लोग ऊपर भी जाएंगे तो छोटा जी का वैल्यू घटेगा और नीचे भी जाएंगे तो छोटा जी का वैल्यू घटेगा, और सेंटर पर जाकर मेरा छोटा जी का वैल्यू हो जाता है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने पहले ही बचपन में या फिर हमने क्लास 11 12 में तो जरूर पढ़ा था, कि या फिर हमने कहीं भी सुना था कि अगर हम लोग छोटा जी, अगर हम लोग धरती का सरफेस से ऊपर जाएंगे तो छोटा जी का जो वैल्यू होता है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमको कम लगने लगता है, जिस कारण से अगर हम लोग धरती का जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर निकल जाएंगे, यानी उसका जो एटमॉस्फेयर है उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएंगे, तो वहां पर हमको छोटा जी का वैल्यू मतलब महसूस नहीं होता, यानी छोटा जी पूरा खत्म हो जाता है, छोटा जी केवल धरती पर ही लगता है। वहीं हम लोग धरती का अगर अंदर की ओर जाएंगे तब पर भी छोटा जी का वैल्यू घटता है, तो यहाँ पर जाते जाते धरती का सेंटर में, केंद्र में छोटा जी का वैल्यू हो जाता है 0। तो बस ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये हमने देखा नहीं कि ये कैसे होता, हमने सिद्ध नहीं किया है कभी। तो आज इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि छोटा जी का वैल्यू ऊपर जाएगा तो कैसे कम होगा, छोटा जी का वैल्यू अंदर जाएगा धरती का सरफेस से तो कैसे कम होगा, और सेंटर में जी का वैल्यू 0 कैसे हो जाता है, यानी हम लोग आज इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ करके आपको सिद्ध करके दिखा देंगे कि ऐसा होता है। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों वेरिएशन ऑफ छोटा जी विथ एल्टीट्यूड। छोटा जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के कारण कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है। धरती का सरफेस से जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, वही होता है आपका छोटा जी। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ छोटा जी विद एल्टीट्यूड, जब हम लोग धरती का सरफेस से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग एक धरती का फोटो बनाएंगे, एक चित्र छाप लिए, धरती ये है, धरती जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अच्छा, धरती का मास भी कुछ ना कुछ होता है हमको पता है, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस को मान लेते हैं आर। ठीक है, ये हो गया धरती का, एक हम लोग क्या बना दिया, एक इमेज बना दिया। तो हम लोग क्या किया अभी, अभी हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग क्या किए, हम लोग लिखेंगे माना, सपोज सपोज क्या माना कि सपोज अर्थ इज ए परफेक्ट स्फेयर ऑफ सेंटर ओ एंड इट्स रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम। हम लोग मान लें कि धरती क्या है, पूरा पूरी गोला है, गोलाकार है, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है और मास एम है। बस ये हो गया धरती के बारे में लिख दे। अब धरती का एल्टीट्यूड लिखा, यानी धरती का हम लोग ऊपर जा रहे, तो ये हो गया धरती का सरफेस, तो ये हो गया आपका धरती का सरफेस, धरती का सरफेस से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये क्या है अर्थ है, धरती का सरफेस से ऊपर जा रहे हैं। मान लेते हम लोग पहले पॉइंट ए में खड़ा थे, मान लेते एक लड़का जो है वो पॉइंट ए में खड़ा था, पॉइंट ए में, अब वो ऊपर थोड़ा चल गया, ठीक है, और वो क्या है पॉइंट बी में अब खड़ा हो गया, यहाँ पर आ गया पॉइंट। अब लड़का जाएगा कहाँ तक, मतलब जाएगा यहाँ तक, कैसे जाएगा, मान लेते ये एच ऊंचाई तक गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है मान लेते एच, तो ये भी तो सवाल पैदा होता है कि लड़का वहां पर गया कैसे। सिंपल सा बात है, एरोप्लेन से गया होगा, हवाई जहाज से, या फिर हेलीकॉप्टर से गया होगा, या फिर मान लेते वो धरती का सरफेस से अपने छत पर चढ़ गया, तो एक तरह का धरती का सरफेस से ऊपर ही है ना, है, तो एच ऊंचाई तक उठ गया, ठीक है, एच ऊंचाई तक। तो यहाँ से जो ये है, यहाँ से यहाँ तक धरती का सरफेस है आर, और यहाँ से यहाँ तक है एच, तो टोटल मेरा कितना हो गया, टोटल टोटल मेरा हो गया आर प्लस एच। जब इसका, अब जो लड़का है, लड़का का ऊंचाई धरती के केंद्र से कितना है, आर प्लस एच, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इसका छोटा जी का वैल्यू यहां पर निकालेंगे,
यहाँ पर सरफेस पर कितना होता है छोटा जी का वैल्यू, लिखेंगे एट द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ छोटा जी बराबर कितना होता है छोटा जी का वैल्यू धरती का सरफेस पर जहां पर आप खड़े हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ अच्छा, यहाँ पर ये होता है तो ऊपर में निकाल के रखे देखते यहाँ पर कितना होगा। ठीक है तो फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एट हाइट h व्हेन द बॉडी इज ऑन पॉइंट, यहाँ पर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पर लिख दीजिए सरफेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट ए, वैल्यू ऑफ छोटा जी इतना, इसमें क्या लिखेंगे एट हाइट एच व्हेन द बॉडी इज ऑन पॉइंट बी द वैल्यू ऑफ छोटा जी, इसमें छोटा जी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो हमको पता है कि सरफेस पर कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या करना है, ये तो होता है साथ ही साथ आपको फॉर्मूला क्या लिख देना है, ये तो होता है लेकिन यहाँ पर आपको ये अभी नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया, कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि बता छोटा जी और बड़ा जी में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, तो आपको ये वाला संबंध बताना है छोटा जी बराबर होता है बड़ा जी एम बटा आर स्क्वायर। ये प्रूफ भी होता है, कैसे होता है आप लोग इसको जानते होंगे या फिर इसको कोई वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग केवल इसका बात करेंगे कि छोटा जी का वैल्यू कैसे कम बेसी होता है। ठीक है तो फिलहाल इसको अभी हम लोग बात नहीं करते हैं, केवल आपको जान के रखना है कि छोटा जी का वैल्यू होता है मतलब संबंध होता है बड़ा जी के साथ क्या, बड़ा जी एम बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर बड़ा जी क्या है ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, एम क्या है मास ऑफ अर्थ, आर क्या है रेडियस ऑफ। ठीक है तो ये हो गया, तो इसको इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर छोटा बड़ा जी एम बटा आर, तो यहाँ पर आर क्या होगा पॉइंट बी का सेंटर ओ से डिस्टेंस कितना है आर प्लस एच, तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस एच आर स्क्वायर पहले से तो स्क्वायर। अच्छा इसको इससे अलग दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें जे डैश डाल देते हैं, ये था जी ये हो गया जी डैश। अब हम लोग क्या करेंगे इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई वन, अब हम लोग टू को वन से डिवाइड कर देते तो देखते हैं जी डैश हो गया और नीचे में जी हो गया। ठीक है बराबर में बड़ा जी एम बटा हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर हो गया बड़ा जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये गुना ये आर स्क्वायर ऊपर चढ़ जाएगा और ये जी एम नीचे आ जाएगा, तो दोनों में जी एम कॉमन है कट गया, तो ये हो गया आपका ऊपर में आर स्क्वायर बटे हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखना है क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर सिंपल सा नीचे में जो आर प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, तो इसको यदि तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए तोड़ रहे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू आर एच ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट गया, तो यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर को यदि कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए आर स्क्वायर को हमको कॉमन लेना है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा वन, यहाँ पर बचेगा एच स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा टू, क्या बचेगा यहाँ पर टू एच बटा आर बचेगा, काहे ले जब आर स्क्वायर को हम लोग अंदर कर देंगे गुना कर देंगे तो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर बटा आर स्क्वायर आर स्क्वायर खत्म, वही एच स्क्वायर आ गया, फिर आर स्क्वायर अंदर जाएगा इसके साथ तो एक आर कट गया तो टू एच आर, देखिए टू एच आर, यानी हम लोग इसके जगह में ये वाला लिख सकते हैं। अब फिर ध्यान दीजिए वन है तो वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पर ए क्या है वन और बी क्या है एच बटे आर, तो एच बटे आर गुना वन इंटू टू तो टू एच बटा आर, तो ए प्लस बी का फिर ये होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं आर स्क्वायर और वन प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर, ये वाला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर वन प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर, काहे ले ऐसा किया ताकि हमको आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और यहाँ से काट देंगे इसलिए, तो यहाँ पर हो गया देखिए यहाँ पर हो गया वन बटा वन प्लस वन बटा आर का होल स्क्वायर,
सिंपल सा आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम लोग और आगे अभी समझेंगे, अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ ये वाला मिटा देते, सपोज वाला लाइन डो, ध्यान दीजिएगा इस तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं कि छोटा जी का वैल्यू ऊपर जाने से भी घटता है। देखिए किस तरह से इतना हो गया, तो यहाँ पर क्या था जी डैश बटे जी बराबर में क्या था वन बटा वन प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर हम लोग ये सब स्क्रीन शॉट करते चलिए क्योंकि फिर एक एक लाइन में मिटाते चलूंगा, ठीक है। अब ये वाला जो वन बटा, अच्छा इस पूरा को यदि एक्स हम लोग मान लेंगे तो वन बटा, ध्यान दीजिए यदि इस पूरा को एक्स मान लेंगे तो एक्स का स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर माइनस टू, तो उसी तरह से ये वाला पूरा ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर माइनस टू हो जाएगा। खाली समझते चलिए, बस ध्यान से खाली देखिए जी डैश बटे जी बराबर वन प्लस एच बटा आर, ये ऊपर चल गया तो माइनस टू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक चीज यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है इस वीडियो में तो हम लोग बात कर नहीं सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, केवल आपको स्टेप खाली याद रखना कि करना क्या क्या कहाँ पर है, बस जी डी एस बटे जी। जब यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, है ना, तब यहाँ पर देखें ये वाला किस तरह से इक्वेशन को चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर चेंज होता है इस तरह से, वन है माइनस टू है, माइनस टू अंदर घुसा देंगे और टू जो है ना उसको आगे ढूंढ लिख देंगे टू एच बटा आर, बस ये हो गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए। अब यहाँ पर सिंपल से जी डैश को रहने दिए, जी जो इधर बटा में हो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, वन माइनस टू एच बटा आर, यही हो गया आपका रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिए जी डैश जब हम लोग धरती का सरफेस से ऊपर थे, कितना ऊपर है एच मीटर हाइट ऊपर, केंद्र से कितना आर प्लस एच मीटर ऊपर, तो जब हम लोग ऊपर जा रहे तो जी का वैल्यू में वन में माइनस हो रहा है, वन में माइनस हो रहा है टू एच बटे आर, यानी यहाँ पर माइनस हो रहा है, यानी जी का वैल्यू घट रहा है। सिंपल से यही हम लोग मतलब निकलता है कि जी का वैल्यू जब हम लोग इसमें एंट्री करा देंगे तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा, जी का वैल्यू जितना होता है उससे कम हो जाएगा, यानी धरती का सरफेस ऊपर जा रहे तो ऊपर भी मेरा जी का वैल्यू कम हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे विथ इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी छोटा जी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज, बस इस लाइन को आपको लिख देना है। ये हो गया पार्ट वन। अब पार्ट टू हम लोग देखेंगे जहां पर वेरिएशन ऑफ छोटा जी विथ डेप्थ। अब हम लोग गहराई में जाएंगे, धरती का अंदर जाएंगे और देखेंगे जी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है ना बढ़ रहा है ना क्या हो रहा है। हम लोग तो जानते हैं घट रहा है, लेकिन कैसे प्रूव करेंगे, इस तरह से हम लोग बना के प्रूव करेंगे। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों वेरिएशन ऑफ छोटा जी विथ डेप्थ। जब हम लोग गहराई में जाएंगे, धरती का सर्फेस का अंदर जाएंगे तो छोटा जी का क्या वैल्यू होगा, घटेगा ना बढ़ेगा ना क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक धरती का डायग्राम बनाएंगे। धरती का डायग्राम तो ये हो गया सेंटर ओ, मास एम, रेडियस आर, इतना जो था उसको रहने देंगे। तो सपोज क्या लिखेंगे, अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस, या फिर पहले सेंटर लिख दीजिए, ऑफ सेंटर ओ रेडियस आर एंड मास एम, ठीक है इतना हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि धरती का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। इसको अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो 1000 मीटर, इसको पॉइंट में यानी 10 का पावर में चेंज करना है तो 6400 और इधर से 3 को,
6.4 इधर से कई गो के बाद हम लोग पॉइंट दिए, एक दो तीन चार पाँच छः गो के बाद, तो 6.4 गुना 10 का पावर 6 मीटर। तो धरती का रेडियस कितना आ गया, 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। धरती का मास कितना होता है, 6 इंटू 10 का पावर 24 केजी। ये आप दो चीज याद करके रख लीजिए, ये दो चीज आप लोग याद करके रख लीजिए, अभी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हो गया। हाँ तो हम लोग पहले कहाँ थे, पहले हम लोग धरती का सरफेस पर थे, पहले कहाँ थे हम लोग धरती का सरफेस पर थे, तो धरती का सरफेस में हम लोग खड़ा है, ठीक है, ठीक है। इसको पॉइंट ए मान लेते, तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, धरती का सरफेस पर जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू बोलिए कितना होता है, कितना होता है, बड़ा जी एम बटा आर स्क्वायर, ऐसा वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज बात करेंगे, ये होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अब हमको धरती के अंदर जाना है, मान लेते हैं हम लोग धरती का इतना अंदर आ गया, मान लेते इतना अंदर, कितना डी, डी यानी डी मतलब डेप्थ, इतना मतलब डी डेप्थ तक हम लोग, डी गहराई तक हम लोग, डी मीटर गहराई तक हम लोग अंदर आए, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप बोलिए धरती का रेडियस कितना है यहां से यहां तक, बोलिए कितना है, आर है, ठीक, आर है। अब आर में हम लोग इतना माइनस कर दिए, यानी अब यहां से यहां तक हमको दिखा है, तो आर माइनस डी हो जाएगा, कितना माइनस किए, इतना माइनस किए, कितना में, इतना में, तो आर माइनस डी हो गया, यहां से यहां तक आर माइनस डी हो गया। तो यहां पर जब हम लोग धरती का अंदर जा रहे, तो हम लोग खुदाई करते हुए अंदर जाएंगे, बिल्कुल सही है, तो खुदाई करते हुए अंदर जाएंगे, तो इतना वाला पार्ट तो अब हमको, तो इतना वाला अब पार्ट से हमको जरूरत है, अब हमको इतना का जरूरत नहीं है, हमको ये वाला हिस्सा की जरूरत नहीं है, हमको इतना का जरूरत है, इतना का ही जरूरत है, ये वाला बस अंदर वाला की जरूरत है, इतना की जरूरत नहीं, कहकर साहब हम लोग इतना अंदर आ चुके, तो इतना वाला मास तो हटा देंगे, इतना वाला मास तो हटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि मास बराबर होता है वॉल्यूम गुना डेंसिटी, होता है क्या, होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो मास, मास यहाँ पर कितना हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलिए ये क्या है, परफेक्ट स्फीयर, तो गोला का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर बड़ा आर लिखना है, काय क्योंकि बड़ा आर इसका रेडियस है, आर गुना डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, रो। तो यहाँ पर एम का हमको वैल्यू कितना मिल गया, 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये वाला वैल्यू जाकर यहाँ पर एम जो हमको मिल रहा है यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाला, तो हम लोग इस तरह छोटा जी बराबर हो गया बड़ा जी 4/3 पाई आर क्यूब रो और बटा में आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर और ऊपर में तीन गो में एक गो कट जाएगा, मतलब एक गो बचेगा, दो गो कट गया, तो यहाँ पर जी का तो फिर मेरा वैल्यू क्या निकल रहा है, 4/3 बड़ा जी पाई आर रो, ये मेरा बच रहा है 4/3 पाई आर, ठीक है, रो ये बच रहा है और बड़ा जी, तो इसको अभी रहने देते इस इक्वेशन वन, उसी तरह से हम लोग इक्वेशन टू लिखेंगे। तो फिलहाल आप लोग ये वाला लैंग्वेज हो, डायलॉग हो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटाने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे एट पॉइंट बी, जब हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर जब हम लोग पॉइंट बी में पहुंच गए, पॉइंट बी में पहुंच गए, तब यहाँ पर मेरा जी डैश कितना निकलेगा, तो निकालते हैं एट पॉइंट बी द वैल्यू ऑफ छोटा जी, तो वैल्यू ऑफ छोटा जी को इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इज इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जी डैश लिखेंगे, जी डैश से, तो जी डैश का फॉर्मूला भी वही होगा, जी एम बटा आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आर क्या है, सेंटर से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस डी, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर होता है ना, तो आर का जगह में आर माइनस डी हो जाएगा, उसमें क्या किया था, आर प्लस डी किए थे, क्योंकि हम लोग ऊंचाई में जा रहे थे, अब इसमें गहराई में जा रहे हैं, तो माइनस करना पड़ेगा ना, बस ये हो गया, इतना हो गया जी डैश, जी डैश बराबर बड़ा जी एम बटा आर माइनस डी का होल स्क्वायर।
अब हम लोग यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि मास और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर भी वही वाला। इस ये वाला हमको खाली जरूरत है, इक्वेशन वन का जरूरत है। ध्यान दीजिए कि क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मास बराबर होता है वॉल्यूम गुना डेंसिटी, तो मास ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर आर क्यूब। तो यहाँ पर आर कितना है जी, सेंटर ओ से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है आर माइनस डी, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर की जगह में आर माइनस डी और क्यूब आर रो, ये हो गया मेरा इतना ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, इसलिए जी डैश बराबर क्या हो जाएगा बड़ा जी एम के जगह में क्या पुट करेंगे 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब रो, और बटा में क्या है आर माइनस डी का होल स्क्वायर। फिर वही कॉन्सेप्ट दूगो में, दूगो को काट दिया बचा एको, तो जी डैश बराबर हो गया 4/3 जी पाई और आर माइनस डी और रो, इतना बचा है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ये हो गया 2, अब फिर वही काम करेंगे फ्रॉम समीकरण 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 को 1 से भागा कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2/1 है ना। तो 2 में क्या है मेरा जी डैश और बटा 1 में क्या है जी, इसमें क्या है 4/3 पाई 4/3 जी पाई आर माइनस डी रो, और बटा में ये वाला 4/3 जी पाई आर रो। तो यहाँ से रो से रो खत्म, 4/3 से 4/3 खत्म, जी से जी खत्म, पाई से पाई खत्म, बचा कौन कौन बड़ा आर माइनस डी बटा बड़ा आर। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, आर को यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो अब इसका काम खत्म हो गया। आर को यहाँ से कॉमन निकालेंगे फिर काहे नीचे वाला आर को काटने के लिए, तो आर को जैसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर डी बटे आर बचेगा, काहे आर को फिर अंदर करेंगे तो आर माइनस डी बटे डी आर बटे आर, तो आर आर कट जाएगा यानी डी फिर वही बचेगा आर बटे में आर, तो ये वाला आर खत्म। तो यहाँ पर मेरा क्या बचा जी डैश बटे जी था ठीक। अब हम लोग ये वाला मिटा देते, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देखिए ये वाला थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जी डैश बटे जी बराबर में हो गया 1 माइनस डी बटा आर ठीक है। तो यहाँ पर जी डैश को रहने देते हैं, ये जी बटा में थे उधर जाके गुना में हो गया 1 माइनस डी बटा आर। यहाँ पर डी क्या है कुछ नहीं, कितना डिस्टेंस आप नीचे आए मतलब एक तरह का हाइट है, कितना हाइट नीचे गए उसी को हम लोग डी मतलब गहराई बोल दिए। तो याद आपको कुछ याद है कि पहला वाला जब हम एल्टीट्यूड निकाल रहे थे उस समय मेरा जी डैश कितना निकला था, ये वाला छोटा जी 1 माइनस 2h बटा आर, ये वाला निकला था, निकला था क्या नहीं, उसमें हम लोग क्या बोले थे कि 1 में माइनस हो रहा है इसीलिए जी का वैल्यू जो जी डैश है यानी जो ऑल्टीट्यूड में था यानी जो ऊंचाई में था वो जी का वैल्यू घट रहा था। उसी तरह से आपको ध्यान दीजिए तो यहाँ पर डी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते, क्योंकि हम लोग एच हाइट नीचे वहाँ पर ऊपर वाला को एच माने थे, यहाँ पर डी माने इसीलिए डी आया, यदि एच मानते इसमें भी तो एच आता, तो यहाँ पर 2h था यहाँ पर एक एक एच था फिर भी तो 1 में ही माइनस हो रहा है, यानी पूरा पूरी ये भी देखा जाए तो ये माइनस हो रहा है यानी छोटा जी का वैल्यू नीचे जाने पर भी घट रहा है, बस उसी को लिख देना है। वही वाला लैंग्वेज फिर से यहाँ पर लिख देना है, क्या लिख देंगे कि विथ इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ छोटा जी इज डिक्रीजेज कंटिन्यूसली डिक्रीजेज, ये वाला लिख दीजिएगा ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दोनों सिद्ध कर दिए कि यदि आप लोग धरती का सरफेस से ऊपर भी जाएंगे तो छोटा जी का वैल्यू घटेगा, काय घटेगा काके से वहां पर यदि पूछेगा कि धरती का सरफेस से अगर ऊपर जाएंगे इतना हाइट में तो छोटा जी का वैल्यू क्या होगा, तो आपको फटाक से ना बोल देना है कितना 1 - 2h/r, आपको बोलेगा कितना हाइट ऊपर जाना, बोलिए हम अभी निकाल के बता दें, बोलेगा 50 मीटर ऊपर, तो यहाँ पर 50 फुट करेंगे, धरती का रेडियस तो हम लोग जानवे करते हैं कितना होता है, कितना होता है धरती का रेडियस बोल गए अभी अभी बताया 6400 किलोमीटर 6.4 × 10⁻⁶ मीटर फुट कर देंगे, जी का वैल्यू तो हम लोग जानवे करते हैं 9.8, कभी कभी यहाँ पर 10 ले सकते हैं, आवाज इसको सॉल्व करके उसको बता देंगे कि वहाँ पर
इतना होगा, इतना गारंटी है कि 9.8 से कम ही होगा, ताकि से ऊंचाई में जा रहे तो जी का वैल्यू घटता है, तो बस उसको बता देंगे इतना हो रहा है इसलिए जी का वैल्यू घटता है, बस सिंपल सा। अगर डेप्थ में भी बोलेगा तो कोई बताओ ना, डेप्थ में ये होता है मेरा फॉर्मूला, बता कितना हाइट नीचे जाना, बोले कितना डेप्थ नीचे है, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 टन, कितना टन नहीं मतलब 200 मीटर, कितना नीचे जाना है बता देगा, इतना 200 मीटर नीचे जाना है, तो डी का वैल्यू 200 फुट कर देना है 200 मीटर, और रेडियस तो जान भी करते हैं, छोटा जी तो जान भी करते हैं, सबका वैल्यू फुट करके उसको बता देंगे कि जी का वैल्यू जो जीडास जो मेरा निकल जा रहा है धरती के अंदर में इतना निकल रहा है, इसलिए छोटा जी का वैल्यू घटता है। अब हम लोग बात करेंगे एट द सेंटर, सेंटर पर क्या होगा छोटा जी का वैल्यू, चलिए देखते हैं। जब हम लोग धरती का केंद्र में पहुंच जाएंगे, ध्यान दीजिए ये धरती, ये इसका सेंटर ओ, अभी हम लोग कहाँ थे इसका सरफेस में, पॉइंट ए में खड़ा थे, तब मेरा जी का वैल्यू कितना निकल रहा था, बड़ा जी एम बटा आर स्क्वायर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अभी अभी हम लोग देखे कि डेप्थ में जाने पर मेरा जी का वैल्यू ये हो रहा है, तो अगर हम लोग पूरे डेप्थ में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर मेरा आर जो रेडियस है और जो मेरा डी है वो बराबर हो जा रहा है, क्योंकि जितना हम लोग कितना नीचे आ रहे हैं, जितना उसका रेडियस है पूरा धरती का केंद्र में पहुंच जा रहे हैं, यानी धरती का रेडियस कितना है आर, उतना नीचे हम लोग पहुंच जा रहे हैं, यानी डी के बराबर आ जा रहे हैं, डी क्या है डेप्थ, कितना गहराई तक नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है कि हम लोग जानते हैं धरती का नीचे जाने पर फॉर्मूला ये होता है, तो पुट कर दीजिए फॉर्मूला में 1 - d की जगह आर बटे आर, आर माइनस आर आर कट गया तो हो गया जी 1 - एक बार में कटा था तो ये हो गया जी 1 - 1 यानी 0, तो बराबर हो गया 0। तो यहाँ पर जी डैश का वैल्यू क्या आ गया, देखिए 0 आ गया, क्या नहीं, यानी धरती का सेंटर में जाने पर क्या होता है, धरती का वैल्यू छोटा जी का वैल्यू अंडा 0 होता है। लेकिन बात यहाँ पर सवाल ये होता है, ये तो थ्योरेटिकल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट थ्योरेटिकली, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये करना संभव है? आप लोग यूट्यूब में कहीं भी सर्च करके देख लीजिए धरती का सेंटर में जाने पर क्या होता है, तो आपको एनिमेटेड वीडियो मिलेगा कि अगर आप धरती का सेंटर में पहुंच जाएंगे, अगर आप धरती का सेंटर में पहुंच जाएंगे, ध्यान दीजिए ऐसा कभी संभव नहीं है कि आप धरती का सेंटर में पहुंच जाएंगे, धरती का सेंटर में पहुंचना संभव ही नहीं है, क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे कि अंदर में लावा है, बहुत कुछ है इसका, अब थोड़ा सा ही नीचे जाएंगे तो जलने लगेंगे, पूरा भस्म हो जाएंगे। तो अगर मान लेते हैं हम धरती को दो होल कर देंगे, मान लेते हैं हम धरती को दो होल कर दिए, ठीक है, यानी टनल बना दिए, क्या बना दिए, टनल बना दिए, सुरंग बना दिए, ठीक है, हम पॉइंट ए से कूद गए, हम मान लेते हैं पॉइंट ए से कूद गए यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कूद गए, ये हो गया धरती का सेंटर। तो हम लोग जानते हैं कि धरती का सेंटर क्या करता है, अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, किस कारण से, ग्रेविटी के कारण से, तो ठीक है ये हमको यहाँ तक खींचेगा, बहुत अच्छा है, खींच तो रहा है, ठीक है, हम लोग सेंटर तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन क्या हम लोग इस सेंटर से यहाँ तक निकलने सकेंगे इस रास्ता से? तो जैसे हम लोग इसको पार करेंगे, यहाँ मान लेते पहुंच गए यहाँ, अब हम लोग सोचेंगे ना नहीं वाह यार थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोग धरती का सेंटर होल से निकल जाएंगे, धरती का एक सिरा से घुसे दूसरा सिरा से निकल जाए, लेकिन फिर यहाँ भी तो केंद्र रखे, यहाँ भी तो सेंटर, यहाँ से भी तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, यहाँ भी तो ग्रेविटी लगेगा, वहां से फिर से तो आपको खींच लेगा, तो इस तरह से आप इसके क्या करेंगे, बस दोलन करते रहेंगे, दोलन ऊपर नीचे, जंपिंग जापान के जंपिंग जंपिंग वाला है ना, करते रहेंगे, जिस तरह से आपने मेला में नहीं देखा जंपिंग जापान वाला, डो ऊपर जाते फिर खींचता फिर नीचे जाते फिर ऊपर जाते, उस तरह से होने लगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब ना इधर से निकल पा रहे हैं ना इधर से निकल पा रहे हैं, कहीं से निकल पाएंगे नहीं, तो ऐसा होता है ना, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ से धरती का अंदर जा ही नहीं सकेंगे, इतना सारा जो मटेरियल है ना वो आपको गला देगा, कुछ भी चीज़ को अगर डालेंगे तो वो गल जाएगा, क्योंकि अंदर में क्या है लावा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सब साइंटिस्ट सब एज्यूम, आप साइंटिस्ट पागल रहता है, उन्हें तो कुछ भी करने लगता है और बहुत कुछ सही भी बता देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है थ्योरेटिकली इधर छोटा जी हम जो सेंटर रहता है वो हमको खींचने का प्रयास करता है, धरती अपना केंद्र की ओर ही खींचता है ना ग्रेविटी के कारण, तो अंदर की ओर खींचेगा, इधर से जाएंगे तो ये भी अपना, तो इस तरह हम लोग जंपिंग जापान का करते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक करें वीडियो के ऊपर, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो रहेंगे सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके लिए आप बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो बस वीडियो इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।